सरकार करे, हमारा यही सरकार का सामने कोटि कोटि नमन है कि हम लोग का सुरक्षा का व्यवस्था करे। किस तरह का सुरक्षा चाहिए आपको? बस हम लोग का हथियार का व्यवस्था हो जाता तो हम लोग अपना सुरक्षा अपने स्वयं कर। हथियार में क्या चाहिए? राइफल और बंदूक चाहिए। इतना देश में राइफल और बंदूक लाइसेंस है, ये सरकार का बोझ नहीं है। एक राइफल बंदूक हमको मिल जाएगा, ये सरकार का बोझ बन जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा कि आप फिर राइफल और बंदूक का डर। अरे हमारा सब कुछ बाल बच्चा और हम स्वच्छ हमेशा सरकार के पास आते जाते हैं, एसपी साहब के पास जाते हैं, डीएसपी साहब के पास जाते हैं, कौन किस थाना पर नहीं जाते हैं। उस जिंदगी में तो हम ये कहेंगे कि कोई महा हमारा दुश्मन है होगा, वो भी वो जिंदगी में न जाए। पुनर्वास के लिए सरकार की स्कीम थी कि 2 लाख रुपया नगद, आवास, बच्चे की पढ़ाई, ये जो सुविधाएं घोषणा हुई थी उसमें क्या क्या मिला है आपको? कुछ नहीं मिला। ये किस्त हमको, हम वही समझे कि जो इनाम रखा था कि जिंदा और मुर्दा लाइए, वही हमको 95,000 हमको और 95,000 हमारा भाई को मिला। उस समय से हमको कुछ नहीं मिला है सुविधाएं, मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब कहाँ ये संस्था बना था, कौन आईपीएस अधिकारी बनाया था कि उस कुर्सी के पास हम चले जाएं उनसे गुहार लगाएं? आप जब कोर्ट से रिहा हुए तो कोर्ट में अपनी बात ये रखे कि आपका जो सरकार ने घोषणा किया था उसको दिलवाने का? बहुत की कहे, बहुत। क्या आदेश मिला कोर्ट से? मिलेगा, आश्वासन मिलता है, मिला है नहीं। तो अब आगे इसके लिए क्या जैन गुहार लगाते हैं? हम अंधे आदमी जाए कहाँ, पूछते हैं रास्ता तो हमसे कोई बताया कि पत्रकार लोग से मिलिए ना, आप लोगों का दुख जरूर लो सुनेगा, तो हम श्रीमान जी आपको पास आएगा, अब आप रास्ता बताइएगा वहाँ हम चले जाएंगे।